अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कचनार गोश्त बनाना बता रही हूँ। ये हाफ के जी कचनार है और इसको हम डंडियों से अलग कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसको तोड़ के अलग कर लेंगे। और इसके लिए हमें और क्या चीज़ें चाहिए आप नोट कर लें। हाफ के जी कचनार है। ये कचनार को मैंने साफ करके धो लिया है। और ये एक पाव गोश्त है चिकन, नमक एक टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून और सुरख मिर्चें कुटी हुई ये भी एक टीस्पून, प्याज एक अदद, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट एक टेबल स्पून और दो अदद टमाटर। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीली में मैंने प्याज डाल दिए हैं और अब इसमें मैं आधा कप ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल शामिल करने के बाद हम प्याज को फ्राई करेंगे और जब हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे हल्के से गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करने लगी हूँ। नाज़रीन, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स भी करें। देखें व्यूअर्स, ये टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करके हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब ये मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और ये चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। और अब मैं इसमें ये कचनार डाल रही हूँ। कचनार डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दो कप पानी डालकर इसको ढाँप कर मीडियम आंच पर पकाएंगे। और देखें नाज़रीन, ये कचनार हमारी गल गई है। अब मैं आंच तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर दूंगी। और देखें नाज़रीन, इसका पानी ड्राई हो गया है और ये हमारा कचनार गोश्त बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।